देशरे मार्च पहिलारु 7 तारीख पर्यंत जनऔषधि दिवस पालन करा जाउछि। एही अवसर रे जनऔषधि योजना संपर्क रे लोकंकु अधिकरु अधिक सचेतन करा जाउछि। प्रधानमंत्री जनऔषधि परियोजना एक नुआ रूपरे 2015 मसीहारे आरंभ करा जाइथिला। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एही योजनार शुभारंभ करथिले। प्रत्येक एलोपैथिक औषधर जेनेरिक किसम उपलब्ध कराइबा हेला एही योजनार उद्देश्य। एथिलागि प्रति जनऔषधि केन्द्र रे सह सह प्रकारर जेनेरिक औषध उपलब्ध हेउछि। थंडा काशठारु आरंभ करि हृदरोग, मधुमेह, क्यान्सर भळि दुरारोग्य पई मध्य जेनेरिक औषध मिळुछि। एहाद्वारा गरीब, निम्न मध्यवित्त ओ मध्यवित्त परिवारर रोगी माने बहु सुविधा पाउछन्ते। सुलभ मूल्यरे अनेक औषध मिळुछि। मल्टीनेशनल औषध कंपानी मानंक तुलना रे भारत रे प्रस्तुत जेनेरिक औषध बहुत सस्ता, गुणरे मध्य किछि कम नुहे। उच्च गुणवत्ता युक्त औषध मिलुथिबारु लोके बेस सुविधा पाउछन्ति। प्रति जिला मुख्यालय रे जनऔषधि केन्द्र मान खोला जाउछि। खोर्धा जिल्लार खोर्धा सहर रे एभळी एक जनऔषधि केन्द्र आरंभ करा जाइछि। एही केन्द्र रे 800 रु अधिक प्रकारर जेनेरिक औषध मिलुछि। बजारर फार्मासी दुकान ठारु जनऔषधि केन्द्र रे कम मूल्य रे औषध मिलुथिबारु लोके एही योजना को स्वागत करिछन्ति। मुझु जनऔषधि सब रेगुलर कस्टमर मुझु औषध नबार मत सुविधा हो बाहर बहुत रेट होता भल कम दौर जनऔषधि केन्द्रर फार्मासिस्ट कहिछन्ति जे दैनिक बहु लोक एठारु औषध नेउछन्ति। एही केन्द्र समस्तंकर उपकार रे आसुछि। आज के दिन में 840 प्रकार औषध उन्नत मानर औषध मिलुछि। लोक मैंने आसिक सुविधा मध्य समस्त प्रकार औषध ने बड़ बड़ हस्पिटाल चिठा आसम पाखक चिठा देखे सुलभ मूल्य औषध ने।